और अब बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां विकास भवन माती में आजादी का अमृत महोत्सव एवं राखी उत्सव पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न समूह की महिलाओं द्वारा विकास भवन परिसर में राखी का स्टॉल लगाया गया। स्टॉल में सरवनखेड़ा के ग्राम पंचायत द्वारी के स्वयं सहायता समूह ज्वालामुखी द्वारा दुग्ध उत्पाद, ग्राम पंचायत बमरौली के तुलसी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सिवाया एवं मिथौरी का विकास खंड संदलपुर के ग्राम पंचायत अमरौधा से संतोषी माँ का मूल की महिला द्वारा चूड़ियों का स्टॉल, विकास खंड मलासा के छतैनी ग्राम पंचायत के स्वयं सहायता समूह द्वारा बुकनू, विकास खंड अमरौधा के ग्राम पंचायत बरौली के स्वयं सहायता समूह महादेव के द्वारा राखियों का स्टॉल, विकास खंड मलासा के ग्राम पंचायत बरौरा के ग्राम सखी समूह द्वारा सत्तू, बेसन एवं मसाले आदि का स्टॉल लगाया गया। उक्त कार्यक्रम का मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी आए लोगों से अपील करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव व राखी पर्व के तहत इस राखी स्टॉल कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न समूह की महिलाओं द्वारा किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग कर राखी की खरीदी करें। उक्त राखी को ऑनलाइन में बिक्री की जाए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा अवश्य लगाएं। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट आदि उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की। महिलाओं को मौका मिला है, ये बहुत बड़ी बात। वहाँ पे कैसा लगा आपको जाकर? अच्छा लगा। क्या बताया गया वहाँ पर? मैम, हाँ, वहाँ पर बताया गया